हेलो दोस्तों, आज हम एक और स्पीकर आपके लिए लेकर आए हैं और ये काफ़ी बजट स्पीकर है। वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ये कैसा स्पीकर है। बॉक्स मैंने ओपन कर लिया था क्योंकि जब इतना सस्ता स्पीकर आएगा तो मैंने पहले ही ये ओपन कर लिया था। चलिए अब इसको देख लेते हैं। इसका बॉक्स थोड़ा सा दबा हुआ आता है। आज हम इस स्पीकर का फुल रिव्यू करने जा रहे हैं। सामने आपको पूरा स्पीकर दिखाया हुआ है और साथ ही माइक्रोफोन की फोटो दी है। यहाँ पर वायरलेस लिखा हुआ है। यहाँ पर सारे बटन्स के बारे में बताया गया है, जो भी इसमें बटन है उनको कैसे फंक्शन करना है। यहाँ पर बहुत सारी डिटेल उन्होंने दी हुई है, जैसे यहाँ पर ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है। चार्जिंग टाइम इसमें 1 से 3 घंटे लगने वाले हैं। प्लेबैक टाइम 5 आवर्स का है और इसमें 5 यानी 5 वॉट का स्पीकर लगा हुआ है। और बॉक्स पे कुछ भी नहीं है, ऊपर भी ब्रांडिंग है। अब देख लेते हैं बॉक्स के अंदर मिलता क्या क्या है। बॉक्स को हम ओपन करेंगे तो इस तरह से ये प्लास्टिक के अंदर रैप्ड आता है। सबसे पहले हम प्लास्टिक में से निकालेंगे तो सबसे पहले हमें मिलता है ये स्पीकर। इसके बाद हमें मिलता है एक माइक्रोफोन और एक केबल। ये माइक्रोफोन की केबल है। लास्ट में हमें मिलती है एक ये केबल। ये एक Type-A2 माइक्रो यूएसबी केबल है जिसके थ्रू आप इस स्पीकर को चार्ज कर सकते हैं। Type-C पोर्ट नहीं मिलता है इसमें। अब इस वाली वायर को देख लेते हैं। इस वायर की अगर लेंथ के बारे में बात करूं तो ये लगभग 3 मीटर के आसपास की लेंथ है इस वायर की। यहाँ पर 3.5 mm जैक दिया हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये प्लास्टिक में है, लेकिन ये XLR पोर्ट है जो आपके माइक्रोफोन में लगता है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये मेल है और यहाँ पर ये फीमेल पोर्ट दिया हुआ है। इसको जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से ये कनेक्ट हो जाता है। और माइक्रोफोन की बात करें तो यहाँ पर ब्रांडिंग दी हुई है। यहाँ पर ऑन ऑफ के लिए बटन दिया हुआ, ऊपर करेंगे तो ऑन होता है, नीचे करते हैं तो ऑफ होता है। कोई सेल इसमें नहीं लगता है। यहाँ पर आपको ग्रिल दी है, ये ग्रिल भी पूरा प्लास्टिक में है। इस बॉक्स के अंदर सिर्फ यही चीजें मिलते हैं, एक माइक्रोफोन, एक केबल, एक स्पीकर और एक चार्जिंग केबल। बस यही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। अब इसका टेस्ट कर लेते हैं, ये स्पीकर किस तरीके का है, किस क्वालिटी का है, कितनी बैटरी लाइफ चलती है, यानी कि इसका फुल रिव्यू कर लेते हैं। सारी चीजें एक एक करके देखेंगे हम। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी से बात करते हैं, पहले बाकी सारी चीजें साइड में हटा देते हैं। अगर बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो ये पूरा प्लास्टिक है। यहाँ पर भी प्लास्टिक है, यहाँ पर भी पूरा प्लास्टिक है। कोई भी यहाँ पर आपको रबड़ पैडिंग नहीं मिलती है। ये स्पीकर आपको मिलता है और यहाँ पर बटन्स मिल जाते हैं। पूरी फिनिशिंग कहें या फिर आप कहें कि इसकी क्वालिटी प्लास्टिक की अच्छी क्वालिटी है। कंसिडरिंग प्राइस, अगर हम प्राइस को कंसीडर करते हैं तो अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। हम कह सकते हैं कि हमारे 500 रुपीज बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल हमें वर्थ पड़ते हैं। लेकिन इसके आगे भी हम जानेंगे इसमें और क्या क्वालिटीज हैं। अगर हम बात करते हैं अब इसके अलावा माइक्रोफोन की, तो माइक्रोफोन की जो क्वालिटी है वो अगर बात करें तो माइक्रोफोन की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, अच्छी क्वालिटी है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, हल्का नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी प्लास्टिक की ग्रिल दी हुई है, यहाँ पर भी पूरा प्लास्टिक है, बटन भी प्लास्टिक का है। इसको अच्छे से इन्होंने फिक्स किया हुआ है, कोई भी क्रैक की आवाज़ इसमें नहीं आती है, तो सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है इसकी भी। वायर की क्वालिटी की बात कहें तो वायर भी आपको प्लास्टिक में मिलती है और वायर की क्वालिटी एवरेज है। साथ ही जो चार्जिंग केबल दी है, इस चार्जिंग केबल की क्वालिटी भी एवरेज किस्म की है। चलिए इन सबको अब साइड में हटाते हैं, अब बात करते हैं स्पीकर की। अब स्पीकर पे आते हैं तो हमें यहाँ पर पूरा पूरा स्पीकर आउटमेंट मिलता है। यहाँ पर इसमें अंदर इनबिल्ट लाइट लगा रखी है तो वो लाइट्स यहाँ पर शो करती हैं। ऊपर बात करें, एक ही बटन दिया हुआ है, बाकी सब यहाँ पर पोर्ट्स दिए हुए हैं। ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, 3.5 mm का होल, ऑक्स केबल का होल, माइक इन लगाने के लिए होल दिया हुआ है, माइक्रो यूएसबी का चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, TF कार्ड या SD कार्ड के लिए स्लॉट दिया हुआ है, पेन ड्राइव लगाने के लिए यहाँ पर एक स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपनी पेन ड्राइव लगा सकते हैं। अगर आपको ये ऑन करना है तो स्पीकर में जो ये बटन दिया है इसको आप इधर की तरफ या इधर की तरफ पुल कर सकते हैं। वेलकम टू आवर म्यूजिक वर्ल्ड, द ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर। अब यहाँ पर जो बटन दिए हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मोड का बटन दिया हुआ है, फिर बैकवर्ड का है, फिर प्ले पॉज का है और यहाँ पर फॉरवर्ड का बटन दिया हुआ है। इन तीनों बटन से, जो ये तीनों है मल्टी फंक्शन बटन है, अगर आप इनको दबा कर रखते हैं यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बटन को, तो ये अपनी वॉल्यूम जो है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करता है। साथ ही अगर ये प्ले पॉज के बटन को आप पुश करते हैं तो जो भी इसमें FM में जितनी भी स्टेशंस हैं उनको ये
एक एक करके सेलेक्ट कर लेता है। मोर बटन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको ब्लूटूथ पर रहना है, लाइन इन यानी माइक पर रहना है, या फिर आपको FM पर स्विच करना है। और कोई बटन इसमें नहीं मिलता है, बस यही सारी चीजें इसमें मिलती हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइट जल रही है, मैं एक बार अपनी लाइट्स बंद कर देता हूँ, फिर आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लाइट्स आपको ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर आप मोड बटन को दबाएंगे तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, आपको मोड बटन को प्रेस करके रखना होगा तो ये जो लाइट्स इसमें जलती हैं वो ऑफ हो जाएंगी, इससे आपकी बैटरी भी बचेगी। मैं ऑन कर लेता हूं लाइट्स को। अब बात करते हैं चार्जिंग की। अगर इसको आपको चार्ज करना है तो 2 से 3 घंटे इसको चार्ज करने में आपको लग जाएंगे। मैंने यहाँ पर माइक्रो यूएसबी कनेक्ट की हुई है और आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बटन के यहाँ पर एक एलईडी ब्लिंक करती हुई दिख रही होगी, इसका मतलब ये चार्जिंग कर रहा है। और ये रेड कलर की है, इसका मतलब अभी ये चार्जिंग है। जैसे ही ये ब्लू कलर की होगी, इसका मतलब ये फुल चार्ज हो जाएगा। प्लेबैक टाइम का अगर मैं बताऊं तो ये 5 घंटे इन्होंने लिखा है, लेकिन ये 2 या 3 घंटे मैक्सिमम ही चल पाता है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। इसके अलावा वारंटी की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग वारंटी उन्होंने लिखी है 6 मंथ की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलेगी, क्योंकि वहां पर भी कोई भी कस्टमर केयर नंबर इन्होंने नहीं दिया हुआ है। मीशो की वेबसाइट से मैंने ये खरीदा था तो वहां पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि कहां से इसका वारंटी क्लेम कर सकते हैं आप, कहां से इसको ठीक करवा सकते हैं, रिपेयर करा सकते हैं। तो आप इसको आप अपने यहाँ पर जो लोकल शॉप्स होती हैं वहाँ पर आप इसको रिपेयर करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ भी। अब चेक कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। एक बार हम ब्लूटूथ को ऑन कर लेते हैं, स्पीकर में ऑन करते हैं स्पीकर को। Woos, welcome to our music world. The Bluetooth device is ready to pair. आपको अपने फोन के ब्लूटूथ सेटिंग में जाना है, ब्लूटूथ को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप देखेंगे तो नीचे आपको कहीं पर भी ये ब्रांड शो नहीं कर रहा है कि आपका स्पीकर कहाँ है, तो इसलिए आप पेयर अ न्यू डिवाइस, फर्स्ट टाइम पेयर अ न्यू डिवाइस पे जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे तो WS03 जो आ रहा है ये आपका स्पीकर है। अब ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब इसमें कुछ सॉन्ग्स मैं प्ले कर देता हूँ। अगर आप ब्लूटूथ की सेटिंग में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर मीडिया साउंड लिखा है, इसका मतलब इसमें माइक्रोफोन काम नहीं करता है, इसके अंदर इनबिल्ट कोई माइक्रोफोन नहीं है। अखियां मिला के हो ये 50% वॉल्यूम पर है, ये 50% वॉल्यूम पर है, ये 100% वॉल्यूम पर है, ये 50% वॉल्यूम पर है, It's been a long day. ये फुल वॉल्यूम पर है, ये 50% वॉल्यूम पर है। तो इस तरह की इसकी साउंड क्वालिटी है, इस आपको अच्छे से अंदाजा लग गया होगा। अगर आप कंसिडर करें कि ये एक बिल्कुल बेसिक स्पीकर है जो कि बहुत बजट में आता है, तो उसके हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी मैं ठीक ठाक कह सकता हूँ। और जब भी इसको यूज नहीं कर रहे होते हैं तो अपने आप ही ये डिसकनेक्ट हो जाता है, ऐसा नहीं कि कनेक्ट होने में परेशानी आती है, कनेक्ट दोबारा करेंगे तो बड़े आराम से कनेक्ट हो जाएगा। और ब्लूटूथ वर्जन का कंपनी ने लिखा है कि ये 5.0 है, और जो वॉटेज कहें कि स्पीकर का वॉटेज कितना है वो 5 वॉट का इसमें लिखा हुआ है।
और ये कहते हैं कि ये ब्लूटूथ 5.0 तो 10 मीटर तक इसकी रेंज है, लेकिन नहीं, ये मुश्किल से मुश्किल 10 फीट के आसपास तक ही कैच करता है, और बीच में कोई दीवार है तो उसमें भी वो कट हो जाएगा, आवाज़ आपकी कटने लगेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसमें, आप कह सकते हैं कि 500 रुपये के, अगर 500 रुपीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि 500 रुपीज़ काफ़ी कम होते हैं, और उसके हिसाब से ये स्पीकर मेरे हिसाब से ठीक है। मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा लेकिन ठीक ठाक है। आपको अपने बड़े बूढ़ों को देना है, अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को देना है, जिसमें आप माइक्रोफोन भी यूज़ कर सकते हैं, और माइक्रोफोन पर आपको इस कंपनी की ब्रांडिंग तक मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर वूश लिखा हुआ है। अगर बात करें इसकी क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है इस प्राइस के हिसाब से। ऊपर ग्रिल है, प्लास्टिक की है, माना नीचे भी पूरा प्लास्टिक है, लेकिन आप चाहें तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दे सकते हैं। तो माइक्रोफोन को वो किसी को बुलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ अगर वो गाना गाना चाहते हैं, कैरियोके आप बजाना चाहते हैं, तो आप तो वो इसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टीफंक्शन है, एक किस्म से यूज़ किया जा सकता है। अब इसके FM के बारे में देख लेते हैं। FM इसका रिसेप्शन इतना अच्छा नहीं है, मैंने कोशिश करके देखा है, मैं एक बार ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। मैं मोड के बटन को दबाकर FM पर स्विच करता हूँ, FM tenure, और वॉल्यूम थोड़ी कम कर लेते हैं। बटन्स को पुश करके रखने से वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होती है। मैं इस बटन को एक बार प्रेस करता हूँ तो ये स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसका FM का रिसेप्शन अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, कोई भी स्टेशन अच्छे से नहीं चल पाता है। तो वापस इसको ब्लूटूथ पर करते हैं। ये लाइन इन का मोड है, इसका मतलब इसमें आप अपना माइक्रोफोन लगा सकते हैं, वो आपको दिखा देता हूं लगाकर। एक बार आपको माइक्रोफोन के साथ जो केबल मिली है उसको आपको इसके 3.5 जैक में इंसर्ट करना है। हेलो हेलो हेलो, अभी मैंने माइक ऑन नहीं किया है, मैं एक बार इसको ऑन कर लेता हूं। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। अब जो आवाज आ रही है वो माइक्रोफोन से आ रही है, तो आप चेक कर सकते हैं आपको आवाज कैसी लग रही है। मैं माइक को जितना पास रखता हूं उतनी ज्यादा तेज आवाज आती है। वॉल्यूम भी आप बढ़ा सकते हैं, इन बटन्स को प्रेस करके आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। मैं बढ़ाता हूं, देखिए अभी मैं जो है वॉल्यूम बढ़ाता जा रहा हूं। अभी ये वॉल्यूम फुल है तो आप जान सकते हैं कि आपको वॉइस की क्वालिटी कैसी मिल रही है। तो ये ठीक ठाक है, आप अच्छे से जो है इसको यूज कर सकते हैं किसी को बुलाने के लिए, या कोई अनाउंसमेंट के लिए, छोटी मोटी अनाउंसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। क्वालिटी ठीक ठाक है मेरे हिसाब से, तो थोड़ा पास से बोलना पड़ता है। माइक्रोफोन अच्छे से काम कर रहा है, स्पीकर की साउंड भी ठीक ठाक आती है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, ये स्पीकर जिस प्राइस रेंज में आता है उस प्राइस रेंज में लिया जा सकता है। ये स्पीकर का प्राइस 500 रुपीस के आसपास है, कई बार घटता बढ़ता रहता है। मैंने ये मीशो की सेल में करीब 450 रुपीस का लिया था, और कई बार ये 650 रुपीस का भी शो करता है। तो मेरे हिसाब से ये 500 रुपीस के अंदर एक अच्छा स्पीकर हो सकता है। इसमें माइक्रोफोन भी है, वो भी अच्छे से काम करता है। FM इसका बिल्कुल भी काम नहीं करता है। साउंड क्वालिटी में कहें तो बेस नहीं है, बाकी आपको साउंड मिल जाता है। और बात करें डिस्टॉर्शन की, तो लगभग 90% या 80% के बाद साउंड जो है वो डिस्टॉर्ट करना शुरू कर देता है। साथ ही मुझे इसमें और कोई कमी तो नहीं दिखाई दी कोई खास, क्योंकि प्राइस के हिसाब से और क्या कमी हम निकालें। SD कार्ड से भी सॉन्ग्स अच्छे से प्ले हो रहे हैं, और पेन ड्राइव लगाकर भी सॉन्ग्स अच्छे से प्ले हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी वही मैंने आपको बता दिया, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती है। अगर आप इस स्पीकर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, या कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम आपके क्वेरी का जवाब दे सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और किसी को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।